पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण खासी प्रभावित हुई है। इसका असर सरकार के खर्च करने की क्षमता पर भी पड़ा है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने विधायक निधि में 20% कटौती की है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना काल के चलते राज्य सरकार को राजस्व की बड़ी हानि हुई है। 2 माह से अधिक लॉकडाउन रहने के कारण कई व्यावसायिक संस्थान व शासकीय कार्यालय बंद थे, जिनसे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व की कमी का असर सरकार की कई योजनाओं और विधायक निधि पर भी हुआ है। राज्य सरकार ने विधायक निधि में 20% की कटौती कर दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर इंदौर जिले के 3 विधायकों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। पहले विधायकों को 1,85,00,000 की राशि का आवंटन विकास कार्यों के लिए होता था। अब शासन ने 1,48,00,000 की राशि का आवंटन करने का निर्णय लिया है। शासन पहले जिलों को राशि का आवंटन एक साथ कर देता था, लेकिन अब विधायकों के प्रस्ताव के आधार पर किया जा रहा है। देखो ऐसा है कि कुल 1,85,00,000 प्रति विधानसभा क्षेत्र अलॉटमेंट आता है, तो हमको जो निर्देश मिले उसमें यह है कि स्वीकृति तो पूरी 1,85,00,000 की हर विधानसभा क्षेत्र के लिए करना है, और हमारे पास माननीय विधायक का प्रस्ताव आ रहा है और हम कर भी रहे हैं। और लेकिन अलाटमेंट की बात करते हैं, तो अगर अलाटमेंट अभी शासन ने जो जारी किया है वो 20% कटौती के बाद 1,48,00,000 प्रति विधानसभा क्षेत्र जारी किया है, और उसमें जो अभी वित्त विभाग का जो एक मासिक और त्रैमासिक जो सीलिंग वाली जो स्थिति है, तो उस सीलिंग के कारण अभी हमारे पास अलाटमेंट प्रति विधानसभा क्षेत्र 66,60,000 रुपये का प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सेंक्शंस पूरी होगी, इसमें बजट का कोई विपरीत प्रभाव हमारे विधायक निधि कार्यों पर नहीं होगा, क्योंकि होता यह है कि कुछ काम में लेट स्टार्ट होते हैं तो उनके लिए पैसा हम अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी कर सकते हैं। मतलब शासन ने हमको बोला है कि अगर आपका जो काम पूरे हो जाते हैं उनके लिए अलॉटमेंट पहले जारी करें, जो काम अभी पाइपलाइन में है या जो अभी शुरू नहीं हुए तो उनके लिए जब काम पूरे होने वाले स्थिति आए तब अलॉटमेंट जारी करें। उससे कोई वित्तीय प्रभार भी नहीं आएगा और इसमें कोई किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। देखो इसमें ऐसा है कि माननीय विधायकगण, अभी तो हमारे पास जो भी प्रस्ताव आते हैं तो हमारा ये अनुभव रहा है कि प्राय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही मैक्सिमम प्रस्ताव आते हैं, और अभी तो कोरोना काल के कारण सभी जून तक तो लगभग न के बराबर ही प्रस्ताव आया, जब हमारे पास प्रस्ताव आना शुरू हो गए और जैसे जैसे प्रस्ताव आ रहे हम स्वीकृत कर रहे हैं और राशि जारी कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत अभी नहीं है। अलाटमेंट मेरी बात हुई है भोपाल, वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाकी शेष राशि भी जल्द से जल्द जारी करेंगे, और 20% कटौती के बाद 1,48,00,000 तो हमको मिलना ही है। फिर अभी अक्टूबर के बाद नया त्रैमास शुरू हो जाएगा, तो अभी सितंबर तक की बात है, तब तक हमको अभी फिलहाल कोई ऐसा कोई वो नहीं है, क्राइसिस नहीं है। इंदौर में अधिकतम काम जो है वो पेयजल संबंधी ही शहरी क्षेत्र में होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में हर प्रकार के काम होते हैं, और ज़्यादातर सीमेंट कंक्रीट रोड और सामुदायिक भवन इस प्रकार की डिमांड रहती है। तो काम की और अभी कुछ जगह पर तो बगीचों में जिम, ओपन जिम के लिए भी माननीय विधायक लोग दे रहे हैं, तो काफी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि इस बार शासन ने विधायकों को कोविड के लिए राशि खर्च करने का अधिकार दिया है। इंदौर जिले में विधायक जीतू पटवारी, मालिनी गौड़ और उषा ठाकुर ने मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट के लिए जिला कार्यालय को प्रस्ताव भेजा है। इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।